नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम किस प्रकार हमारे इन ऐप के आइकन्स पे आने वाली ये जो एरो की हैं, जिनको शॉर्टकट की बोलते हैं, इनको हम किस प्रकार हटा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर, गूगल क्रोम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कुल मिला के जितने भी ऐप आइकन्स हैं सबके ऊपर ये एरो की आ रहा है, जो कि थोड़ा सा इरीटेटिंग लगता है। तो आज हम इसको हटाना सीखेंगे। हटाने के लिए आपको विंडो की प्लस आर की इकट्ठी दबानी है। जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने रन वाला ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे रेगिडिट ऑलरेडी लिखा हुआ है REGDIT स्मॉल लेटर में लिखना है, या तो आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा यहाँ पे आके। दूसरा तरीका है, आप इसको बंद कीजिए और यहाँ सर्च में आइए। सर्च में आके भी आप REGDIT लिख सकते हैं, REGDIT यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। दोनों तरीकों में एक ही ऐसे ही काम होता है। देखिए यहाँ से मैं दबाऊंगा तब भी इस तरह का पेज आया है, और अगर मैं विंडो और आर दबाऊंगा और एडिट करूँगा तो यहाँ पर भी दोस्तों सेम आता है। तो इस प्रकार दोस्तों विंडो और आर और सर्च में एडिट करके आप इस प्रोसीजर की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद हम सीधा उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ से हम अपने एरो शॉर्टकट एरो की को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो यहाँ इस प्रकार हमारा पेज खुलेगा, इसमें डिफ़ॉल्ट करके इस तरह लिखा होगा। इसमें आपको अपना राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू करना है। न्यू पे आके आपको की में जाना है। की में आप नीचे स्ट्रिंग वैल्यू करके देख सकते हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको नाम दे देना है, 29 इसको नाम देना है। आपको इस चीज़ का याद रखना है, 29 हमने इसको नाम दे दिया है। अब हम इसको दोबारा 29 नाम देने के बाद इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वैल्यू डाटा मांग रहा है, तो हम इसमें टाइप करेंगे परसेंटेज WINDIR परसेंटेज फॉरवर्ड स्लैश सिस्टम। सिस्टम में दोस्तों एस जो है बड़ा वाला आएगा, सिस्टम दोस्तों सिस्टम 32 अगेन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद शेल SHELL शेल डॉट शेल 32 लिखना है दोस्तों, शेल 32 डॉट DLL कोमा -50 और आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे इस तरह की सेटिंग हो गई है। अब इसको आप मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद आपको विंडो एंड आर की दोबारा दबानी है, और यहाँ पर आपको लिखना है TEMP और ओके कर देना है। आपके सामने जहाँ पे जितनी भी फाइल होंगी उसको आपको कंट्रोल ए करके सबको सेलेक्ट कर लेना है, और इनको आपको डिलीट मार देना है। जितनी डिलीट होंगी होंगी, नहीं होंगी तो आपको उसको स्किप कर देना है। जैसे ये दो फाइल डिलीट नहीं हुई हैं तो हम इनको डिलीट कर, इनको हम स्किप कर देंगे। यहाँ देखिए हम मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ट्राई अगेन करेंगे, नहीं जा रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। हमने कैंसिल कर दिया। अब हम अगेन विंडो एंड आर की दबाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज टेम्परेचर परसेंटेज, ये आप देख सकते हैं परसेंटेज TEMP परसेंटेज, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने इस तरह पेज खुल जाएगा। इसमें भी हमें अगेन कंट्रोल ए करके सब सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद हमें डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट हो गया। नहीं होगा, कोई नहीं होगा तो आपको ज़बरदस्ती डिलीट नहीं करना है। अब इसको भी हम बंद कर देंगे। अगेन हम विंडो एंड आर की दबाएंगे, और इसमें अब हम लिखेंगे प्रीफेच, ये आप देख सकते हैं PREFETCH प्री फैच, इसको ओके कर देंगे।
ओके करने के बाद यहाँ पर आपको जितनी भी फाइल दिखेंगी, अगेन आपको कंट्रोल ए करके सारी की सारी फाइलों को सिलेक्ट कर लेना है और इनको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं फाइल्स डिलीट हो रही हैं, यह हमारी सारी की सारी फाइल डिलीट हो गई हैं। अब हमें इसको भी क्रॉस करके बंद कर देना है। अब बारी आती है इसमें रिस्टार्ट करने की। रिस्टार्ट करने के बाद ये जो हमारी शॉर्टकट एरो की हैं वो बंद हो जाएंगी। अब हम दोस्तों इसको रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में इसमें क्या बदलाव आता है या नहीं आता। अब हम दोस्तों रिस्टार्ट ऑप्शन पे जाएंगे और अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम अब रिस्टार्ट होना शुरू हो गया। इस रिस्टार्ट होने के बाद जैसे ही आप दोबारा ऑन करेंगे तो वो जो एरो शॉर्टकट कीज थी वो सारी की सारी कीज गैप हो जाएंगी। अब हम इसको स्टार्ट होने का वेट करते हैं। अब हम दोस्तों लॉगिन कर लेंगे। हमने लॉगिन के लिए कमांड दे दिया, वो सारी की सारी जो की हैं वो गैप हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं जो भी शॉर्टकट कीज थी वो सारी की सारी कीज गायब हो गई हैं। दोस्तों ये एक तरीका था जिसके माध्यम से आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप की स्क्रीन पे ऐप आइकन पे अगर आपको एरो की दिखाई देती है तो आप उसको गायब कर सकते हैं। यही एक तरीका है। इसके अलावा अगर जो कोई भी आपको कोई भी तरीका बताता है तो सारे के सारे फेक तरीके हैं, व्यू पाने के तरीके हैं, केवल यही एक ऐसा तरीका है जो बिल्कुल कारगर है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको लाभदायक लगा होगा। अगर इसी तरह के आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ।